क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी एक वेबसाइट है जो कि हमें टेम्पलेट्स प्रोवाइड कराती है। टूर एंड ट्रेवल एम्प्लॉय। में सर हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, हम कोई भी टेम्पलेट हमारा यूज कर सकते हैं। डेमो देख सकते हैं टेम्पलेट का, कैसा हमारा टेम्पलेट दिखेगा। ये हमारा एक टेम्पलेट है। ये हमारा दूसरा टेम्पलेट है, ठीक है। अभी ना हम डाउनलोड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया। ये रहा। ये रहा। अब इसको हम अनजिप करेंगे। जो हमारी वेब एप्लीकेशंस की बेस फाइल रहती है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रहती है, तो ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास साइट लोड हो गई, ठीक यस सर। है। यहाँ पे बटन से बुक नाउ की कुछ इंफॉर्मेशन हैं, डेस्टिनेशन मिल जाएगी, डिपार्ट डेट मिल जाएगी, रिटर्न डेट, ड्यूरेशन, सारी चीजें हमें मिल जाएगी। एक फॉर्म है, सबमिट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद अबाउट अस में हम हमारा अबाउट अस लिख सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। इसके अंदर सारे कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, जिस तरीके से यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये सारा दिख रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इन्हें भी हम चेंज कर सकते हैं। चेक करोगे तो सब में कंटेंट जो है वो सेम है। डिस्कवर अमेजिंग, ये जो कंटेंट है ये पूरा सेम है, हम इसे डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम परफॉर्म करेंगे हमारे वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन थी, इसको तो ये हमारी एप्लीकेशन थी, ठीक है। ये रही हमारी एप्लीकेशन। जब हम नेव बार होम पे क्लिक करते थे तो ये सारी चीजें आती थी, पैकेजेस, प्लेसेस, डेस्टिनेशन, डेट, ठीक है। अब हम इसको रिमूव करते हैं।
ये हमारा बेस डॉट जेएस है, इसमें हम कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट पूरा चला गया है, ठीक है। अब हम मैथ बार को भी रिमूव कर देंगे, मैथ बार हमारा कहाँ से आ रहा है, मैथ डॉट जेएस पे। हाँ ओके देन हम इसे भी एक अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी क्या फाइल है इसमें। तो ये रही CSS, ये रही SCSS, बूटस्ट्रैप, बटन, ग्रुप, नेबार, रूट, HCSS, ये सारी फाइल्स हैं इसके अंदर। JS है, JS की फाइल्स है। इमेजेस है, इमेजेस की फाइल है। CSS है, CSS की फाइल है, ठीक है। जो हमारी मेन फाइल है वो क्या है, index.html। तो जितने भी लिंक्स हैं हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और हमारे index.html के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके अब जो हमारा बेस पेज है, मेन पेज जो है, इसके अंदर जाएंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंटेंट को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो बॉडी स्टार्ट हुई, टूल बार स्टार्ट हुआ है, इसको पहले कॉपी करेंगे। ये हमारा टूल बार है, ठीक है। अब हम हमारी वेबसाइट पे देखेंगे टूल बार कहाँ पे लगेगा। तो ये रहा हमारा बेस, यहाँ डेफ कॉपी पेस्ट किया, ये आ गया हमारा टूल बार ऊपर का, जो कि हमारी वेबसाइट पे था।
सर ये वाला ठीक है, बट इसकी अभी हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो हम इसे हटा देंगे। अब हम दूसरा कर, जो हमारा कंटेनर है दूसरा, वो क्या है, नेविगेशन बार का है। तो यहाँ से नेविगेशन बार उठाएंगे, ये रहा हमारा पेज, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, स्टाइल पे एरर है। स्टाइल पे क्या एरर है, स्टाइल रिएक्ट में, इस वे में नहीं लिखी जाती, उसका जो सिंटैक्स है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो स्टाइल कैसे लिखते हैं हम, रिएक्ट के अंदर स्टाइल लिखेंगे, दो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, जेड इंडेक्स लिखेंगे, कैमल केस का यूज करेंगे, और जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज रख देंगे, ठीक है। स्टाइल और कहाँ है, दो ही जगह थी। ये आ गया हमारा नेविगेशन बार, ठीक यस सर। है। अगर हमें कंटेंट चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सर यहाँ क्लास पे भी नेम लिखेंगे ना, क्लास नेम। हाँ, यहाँ पे क्लास पे भी आप नेम लिखोगे। ये हमारा क्या आ गया, नेविगेशन बार आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये हमारी रिएक्ट ऐप है। नेविगेशन बार बार आ गया, इसके बाद हमें पेज चाहिए कैरोसेल का। तो ये कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे कहाँ कहाँ एरर आ रही है, इमेज पे आ रही है, ठीक है। इमेज का टैग ओपन है बट क्लोज नहीं है, तो ये क्या देता है, इसका एरर देता है। स्टाइल पे देना है, स्टाइल अभी सर स्टाइल पे भी
ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, किस चीज की नीड है अभी हमें, और इमेजेस की नीड है, एक स्टाइलिंग की नीड है, सीएसएस की, प्लस जावास्क्रिप्ट की नीड है। जावास्क्रिप्ट सभी ने पढ़ रखी है, वैसा यस ठीक है। यस सर, तो अगर मुझे इस बटन पे क्लिक करके कुछ शो कराना होगा तो वो कर लोगे? यस ओके ठीक है, तो मैं सीएसएस और इमेजेस बताऊंगा कैसे लोड करते हैं। सो इमेजेस के लिए हमारे पास ये फोल्डर है SRC के अंदर, इमेजेस नेम से, ठीक है। हम इसको असेट्स में भी रख सकते थे, बट अभी हमने डायरेक्ट बाहर रखा है, ठीक है। इसको असेट्स में भी रख सकते हैं, एक अलग से फोल्डर बना के। अब इस इमेजेस के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही इमेज है बैकग्राउंड इमेज में, जो कि यहाँ पे शो होगी, ये वाली, ठीक है। जितनी भी इस वेबसाइट की इमेजेस रहेगी, हम इसे यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देंगे। ये वाली वेबसाइट की कितनी इमेजेस है, ये सारी इमेजेस है, कॉपी करेंगे इनको, ठीक है। SRC इमेजेस फोल्डर है, यहाँ पे हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए, अब CSS चाहिए, तो हमें जाना होगा हमारे इस वाले ऐप पे, CSS कहाँ लिखी हुई है, style.css, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो कितने लाइन का कोड है, अप्रोक्स होगा 5000 6000, ओके 9000 लाइन की CSS लिखी हुई है, ठीक है। सभी को कॉपी कर लो, हमारे CSS पेज पे जाओ, app.css पे पेस्ट कर दो, सेव करो। एक URL दे रखी है, इस URL को हटा दो, अदरवाइज एरर देगी। अब हमारे पास क्या आ रही है, एरर आ रही है, कैरोसेल 1 कैरोसेल 2, ठीक। सो ये इमेजेस कहाँ पे है हमारी, URL देखते हैं, URL और कहाँ है यहाँ पे, ओके एरर क्यों आ रही है सर? उसे इमेज नहीं मिल रही है URL के ऊपर। ओके ये आ गया, अब तो हमें क्या करना है, इमेजेस शो करनी है। तो फिर से जाएंगे किसके ऊपर, base.jsx के ऊपर, इमेज टैग देखेंगे। इमेज टैग क्या है, ये दो इमेज है हमारे पास, carousel1.jpg carousel2.jpg, ठीक है। इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे,